नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मोतिहारी में अचानक से 33 प्रशिक्षु सिपाहियों की हालत खराब हो गई। उन्हें देर रात उल्टी और पेट दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में मोतिहारी के सदर अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि रात को सिपाहियों ने डिनर किया था, जिसमें रोटी सब्जी और खीर बनी थी। जिन सिपाहियों ने सिर्फ रोटी सब्जी खाई उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन जिन जिन सिपाहियों ने खीर खाई थी उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें पेट दर्द होने लगा, उल्टी होने लगी, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में ले जाया गया। आपको बता दें कि 33 सिपाहियों में से 29 की हालत अब सुधर चुकी है और उन्हें वापस भेज दिया गया है, लेकिन 4 सिपाहियों की हालत अभी भी खराब है और उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर वहां का जायजा लेने के लिए SP नवीन चंद्र झा पहुंचे और उन्होंने सिपाहियों से बातचीत की है। वहीं सदर अस्पताल के डॉक्टर सुधीर रंजन ने हमारे संवाददाता से बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पुलिस लाइन से कुछ सिपाही लोग आए थे, क्या हुआ था? मैं डॉक्टर सुधीर रंजन, कल रात्रि पुलिस लाइन से 33 सिपाही आए थे मेरे पास, जिनमें कि जिनको कि फूड पॉइजनिंग का लक्षण था। दवा देने से बाकी को आराम हो गया, 4 सीरियस थे, उनको मैंने पानी चढ़ाया और भी जो एंटीबायोटिक वगैरह दवा मैं दिया उनको, और उससे वो उनको रात एडमिट किया गया था, अभी वो ठीक है। यानी खाना में कुछ था, खाना के चलते हुआ कि क्या? फूड खाना में कुछ, उनका कहना था कि खाना में कुछ मिलाया गया था, जिसके कारण उनको फूड पॉइजनिंग था, वोमिटिंग काफ़ी हो रहा था, उन्हें पेट में दर्द था। जैसा कि आपने देखा, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि खीर खाने की वजह से ही इन सिपाहियों की हालत खराब हुई थी। अब ये बात कही जा रही है कि ऐसी क्या चीज़ मिलाई गई थी खीर में, जिसकी वजह से इन सिपाहियों की हालत खराब हो गई है, उसकी जांच कराई जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि इन सिपाहियों की हालत क्यों खराब हुई थी। लेकिन फिलहाल मामला फूड पॉइजनिंग का ही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कुल 33 सिपाहियों की तबीयत खराब हुई थी देर रात, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में ले जाया गया। सदर अस्पताल में इनका इलाज किया गया। 29 सिपाही अब ठीक हो चुके हैं और 4 की हालत अभी भी गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।